हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एबी एजुकेशन में। तो स्टूडेंट, आज हम आप लोग के लिए एक लाए सम इम्पोर्टेंट डेट्स जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपको एग्जामिनेशन 2023 के लिए। तो क्लास टेंथ के लिए बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मिस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर आए, जैसे कि आपको ये इवेंट्स दिया हुआ, इवेंट्स है और इसका ईयर, जो कि कौन सा इवेंट कौन सा ईयर में क्या क्या हुआ, मिस हुआ था, वो सारे चीज को आप एक अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूं अलग अंदाज में, जो कि अगर आप वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि सारा क्वेश्चन आपको आंसर ऐसे ही याद हो जाएगा बिना याद किए हुए। तो देखिए, आइए समझते हैं हम लोग। सबसे पहली बात देखिए, सबसे बड़ी बात क्या करा जा कह रहा है कि ईयर्स और जो इवेंट्स है, तो ईयर कौन से ईयर में कौन सा इवेंट घटा गया, ये चीज हम लोग समझते हैं। पहला ए में देखते हैं अप्रैल 1919 में, जैसे कि पता होगा नेशनली मिस अप्रैल 1919 में द गांधी हड़ताल अगेंस्ट द रोलेक्ट एक्ट, मतलब कि 1919 में क्या किया गया था, गांधी जो थे हड़ताल पे थे अगेंस्ट द रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट क्या था, मिस एक ऐसा एक्ट था कि इसमें सिर्फ क्या कह सकते हैं, अगर किसी पर संदेह हो, ठीक है, तो संदेह होता है तो उसको बिना मिस कह सकते ट्रायल का उसको डायरेक्टली जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। इनसे बहुत ज्यादा हमारे गांधी जी का प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब कि उनको ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, ठीक है। तो बिना ट्रायल का, तो सस्पेक्ट के आधार पे उनको अरेस्ट कर लिया जाता था वैसा पर्सन को, और उसे डायरेक्टली मतलब कि बिना छानबीन किए हुए डायरेक्टली पुटिन जेल में डाल दिया जाता था। तो इसी के अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने हड़ताल किया था, ठीक है, रोलेक्ट एक्ट, जिसका नाम था रोलेक्ट एक्ट। तो और इसके बाद ये तो पहला बात समझ में आया कि ये रोलेक्ट एक्ट हुआ था। दूसरा क्या था, इसी डेट में दूसरा भी इवेंट हुआ था, वो था कि जालियांवाला बाग मैसेकर, मिस कह सकते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड इसमें ही हुआ था। तो हम यहां से दो पॉइंट याद कर सकते हैं कि इन 1999 में हमारा सबसे बड़ी बात गांधी जी हड़ताल किए थे, ठीक है, गांधी हड़ताल अगेंस्ट द रोलेक्ट एक्ट, एंड सेकेंड वन इज जालियांवाला बाग हत्याकांड टूक प्लेस। फर्स्ट समझ में आया, बहुत ही अच्छा से, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन का जगह, एक बार कॉन्सेंट्रेशन जाग गया तो समझो कि सारा याद हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बी में हमारा आ जाता है जनवरी 1921। अब 1921 में क्या हुआ था कि द नन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट लॉन्च, ये दो ईयर में, मतलब कह सकते हैं ये ईयर में 1921 में सबसे बड़ी बात नन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था और खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। तो यहां से आप याद रखना कि सन 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट टू प्लेस, यानी सॉरी यहां पर लॉन्च किया गया था। अब सेकेंड वन इज याद होगा, दिक्कत नहीं है किन्हीं को, पहला सही याद करेंगे 1999 में ये क्या होगा, गांधी जी हड़ताल किया था अगेंस्ट द रोलेक्ट एक्ट, ठीक है, और कह सकते जालियांवाला बाग हत्याकांड टू प्लेस हुआ था। सेकेंड वन इज 1921 में नन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं, तो यहां पर अब आते हैं सी, आपको सी में क्या बताता था, फरवरी 1900 मिस कह सकते हो 22 में, ये जनवरी था और ये अप्रैल था। अब आ जाते हैं फरवरी 1922 में, तो फरवरी 1922 में क्या था, चौरी चौरा मूवमेंट को चलाया गया था, गांधी विथड्रॉ द नन कोऑपरेशन मूवमेंट, दो चीज हुआ था इसमें अंदर, पहला फरवरी 1922 में चौरी चौरा मूवमेंट को किया गया था और गांधी विथड्रॉ द नन कोऑपरेशन मूवमेंट, और गांधी जी ने विथड्रॉ कर दिया गया था, विथड्रॉ कर दिए थे नन कोऑपरेशन मूवमेंट को, वो कब किए थे, तो फरवरी 1922 में। चलो सी में देखते हैं अब आपका, सॉरी यहां पर दोबारा सी लिखा गया, यहां पर डी हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर ई होगा, एफ जी एच और ई आर। चलो देखो ध्यान से, अब हम लोग समझते हैं, ए फरवरी 1922 हो गया, अब हम लोग देखेंगे डी में जो आपका होगा दिसंबर 1929। इन दिसंबर 1929 में क्या इवेंट्स हुआ था, तो इवेंट्स को देख लेते हैं। लाहौर देखिए ध्यान से, लाहौर कांग्रेस पहला हुआ, दूसरा कांग्रेस अडेप्ट द डिमांड फॉर द पुण्य स्वराज, मतलब कहने का था कि दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस हुआ था, और कह सकते हैं कांग्रेस अडेप्ट द डिमांड फॉर द पुण्य स्वराज, वो कह रहे थे कि पुण्य स्वराज हमें चाहिए,
ठीक है, हमें किसी के अधीन नहीं रहना, हमें पूर्ण तरीका से स्वराज चाहिए, हमें पूरी तरह से आजादी चाहिए। ये कब हुआ था भाई? तो ये हुआ था आपको दिसंबर 1929 में। आपको उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए समझते हैं ई पॉइंट्स में। तो 1930 में, इसमें कोई ये मंथ नहीं दिया हुआ, लेकिन 1930 में अंबेडकर जी ने एस्टैब्लिश किया था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। क्या किए थे? जैसे कि कहने करता भीमराव अंबेडकर के नाम तो सुने होंगे, वो अनटचेबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क किए थे बहुत सारा। तो महात्मा मिस कह सकते हो कि अंबेडकर एस्टैब्लिश द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। ये कब किए थे? तो 1930 में किया गया था। चलो ई एफ में देखते हैं। तो एफ में क्या होगा? एफ में मार्च 1930, मार्च का वो महीना था, कब था? तो 1930 में गांधी बिगन्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ एंड एट डांडी। क्या किए थे ना, जैसे कहने का अर्थात कि मार्च 1930 में गांधी बिगन्स टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाए थे, ठीक है, और लाने के बाद ये क्या किए थे? बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ एट द डांडी। कहां पे क्या किए थे? सॉल्ट लॉ को ये क्या किए थे? ब्रेक डाउन किए थे। अगर सॉल्ट लॉ को ब्रेक डाउन नहीं करते तो आज इंडिया बहुत बड़ा मुसीबत में रहता। समझ में आया? चलो देखते हैं हम नेक्स्ट जी में। मार्च 1931, जैसे कि 30 तक हम समझ में आया, 31 में क्या हुआ था भाई? तो 31 में हुआ था गांधी इंस द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने क्या क्या दिए? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इंड कर दिए। अब इंड करने के बाद क्या हुआ था? तो मार्च 1931 में गांधी इंस द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। नेक्स्ट इज एच में देखते हैं, दिसंबर 1931 में आपका हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को एग्जीक्यूट किया गया था। कब किया गया था? तो ये था 1931। अब देखिए इसका मतलब क्या, 1932 का मतलब क्या? इसका मतलब ये है ना कि ये किए थे द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च। क्या किया कि रीलॉन्च फिर से, पहले मतलब पहला बार एक और सिविल डिसोबीडियंस को आपको किया गया था ना, देखो ध्यान से, सिविल डिसोबीडियंस को फिर से आपको कब रीलॉन्च किया गया था? तो 1932 का। तो दीज ऑल द पॉइंट्स, ये सारे जो पॉइंट्स आपको दिख रहा होगा ईयर्स वाला और जो इवेंट्स वाला, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करोगे कि ये ढूंढ ढूंढ कर लिखना चाहोगे, लेकिन यहां पर मैं प्रोवाइड कर देता हूं डायरेक्टली। तो यहां से आप क्या करो, सबसे बड़ी बात कि आप एक कॉपी में लिखो इसे और हर दिन क्या करो, इसे याद करने का कोशिश करो, तब जाके आपको एवरी एग्जाम, ऐसा नॉट ओनली फॉर क्लास 10, एक ऐसा तो ऑल कॉम्पिटिशन के लिए और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के व्यू से ये पॉइंट ऑफ व्यू मिस टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।